हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल डिफेंस मैनिया, वन स्टॉप फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम। सो फ्रेंड्स, आज से मैं आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी एफकेट 1 2020 एग्जाम के लिए सबसे पहले डिफेंस मैनिया पे आपके स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज है, इसको मैंने काफ़ी पार्ट्स में बनाया है। डेली मैं आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि केवल एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपके एफकेट 120 एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली करंट अफेयर का कर लोगे, क्योंकि मैंने जुलाई से लेके नवंबर तक के अभी तक के सारे करंट अफेयर्स को कलेक्ट करके उसके 20-20 क्वेश्चन को मैं आपको डेली दूंगा, ताकि आपको 20 क्वेश्चन का डोज जो है एक दिन में मिल जाए। और इसकी जो PDF है हमारे POP मेंबर्स को उनके ग्रुप में मिल जाएगी, जो भी हमारे POP बैच में इनरोल है उनको ये सारे जानकारी मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार आप सबके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आया हूँ, और आपको डेली मॉर्निंग में 8 बजे ये मिल जाएगी, आप वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशल करंट अफेयर सीरीज है, केवल एफकेट 1 2020 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। CDS के लिए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक पड़ा हुआ है, आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें CDS की हम कंप्लीट तैयारी करा रहे थे, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप हमारे नंबर जो कि मेरा नंबर है आपका 8709496474 पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे अपने बैच की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू रीच 1000 रन 100 विकेट्स इन T20s। सी, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी लास्ट के 2-3 एफकेट एग्जाम से ये सिलसिला शुरू हुआ आपका एफकेट 218 से, उसके बाद एफकेट 218 के बाद आता है आपका एफकेट 119 में, और उसके बाद एफकेट 219 में। मतलब कि ये सिलसिला आपका लगातार चल रहा है कि क्रिकेट के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू रीच 1000 रन 100 विकेट्स इन T20s, तो वो है आपके एलिस पेरी, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन, जैसे मैंने बताया कि हम 20 क्वेश्चन डेली कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट IAF इंडियन एयरफोर्स पायलट टू कंप्लीट विंग सूट स्काई ड्राइव जंप, मतलब कि MiG-17 हेलीकॉप्टर से 8500 फीट के ऊंचाई से कूदे थे, और इनका नाम है तरुण चौधरी, एंड हिज नेम इज तरुण चौधरी ब्रेमैन। इनको देखिए, अगर ये क्वेश्चन जैसे कि जब भी हम एफकेट एग्जाम की बात करेंगे तो एयरफोर्स रिलेटेड जितने भी घटनाएं होंगी, चाहे वो नए किसी ने कुछ नया रिकॉर्ड बनाया हो या फिर कुछ भी चीज़ें हुई हों, उनको हम जरूर कवर करेंगे। सो ऑप्शन ए दैट इज तरुण चौधरी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट वन इज हु वॉज बीन गिवेन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। सी, DG किसको बनाया गया था, NCB का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। ये क्वेश्चन आते हैं आपके पर्सन इन न्यूज में, किसमें पर्सन इन न्यूज में, वो सीधा पूछ लेगा कि ये जो इनका राकेश अस्थाना है ये कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा ही इज द न्यूली अपॉइंटेड या फिर गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ही इज प्रेजेंटली सर्विंग एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये अभी सर्व कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ DG ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और इनको बनाया गया है आपके एडिशनल चार्ज दिया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज साइंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप VIP मार्क करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री ऑफ R-27 मिसाइल्स। सो ये साइन किया हमने रसिया के साथ, इसको आप R-27 मिसाइल क्या है अभी हम आगे जानेंगे, इसके पहले आप इसको VIP मार्क करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एफकेट एग्जाम में बहुत आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन इज पृथ्वी शॉ सस्पेंडेड, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम क्रिकेट, तो क्रिकेट क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। जो भी अभी अपडेट था क्रिकेट में, जो भी आपका करंट अफेयर बनाया उसको आपको कवर करना है। मैंने बताया कि पूरे सीरीज मैंने जुलाई से करंट अफेयर उठाए हैं, और आपके मैं जनवरी तक ही कवर करूंगा, तो मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्टिंग से बांट लिया है। बेसिकली कुछ करंट अफेयर जुलाई के हैं, और अगस्त से मेन शुरुआत है, तो अगस्त टू जनवरी हम कवर करेंगे, और आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगा। सो पृथ्वी शॉ जो है उनको सस्पेंड किया है BCCI के द्वारा, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, फॉर 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के लिए किया गया, फॉर ए डोपिंग वायोलेशन। शॉ हैज चार्ज विद द कमीशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल वायोलेशन, मतलब एंटी डोपिंग रूल वायोलेशन को मतलब वायलेट करने के लिए इनको सस्पेंड किया गया है 8 मंथ्स के लिए।
आगे बढ़ते हैं। इंडिया साइंस लीगल डील टू अक्वायर R-27 मिसाइल फ्रॉम रसिया। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि R-27 मिसाइल है क्या। तो इंडिया साइन डील वर्थ अराउंड 1500 करोड़ की डील साइन की है टू एक्वायर R-27। R-27 व्हाट इज व्हाट? एयर टू एयर मिसाइल। क्या इसको याद रखना, R-27 क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है। इसको मार्क करो आप, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इस फॉर्म की जो इस करंट अफेयर्स की PDF है वो आपको हमारे बैच मेंबर्स को मिल जाएगी। जिनको बैच में अभी भी इनरोल होना है वो मुझे मेरे नंबर 8709496474 पे मैसेज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, एट दिस रेट वी आर हेल्पिंग, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है हमारे कंटेंट से, और आपका मार्क्स बूस्ट होने वाला है। सो हमने ये एयर टू एयर मिसाइल है, हमने ये रसिया से लिया है, एंड इसको सुकोई 30 MKI के साथ कम मतलब कि इक्विप्ड किया जाएगा। द R-27 मिसाइल इज अ मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इट्स अ मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल फॉर मिग एंड सुखोई सीरीज ऑफ फाइटर जेट्स। नेक्स्ट वन इज दिस अवार्ड। सो हु हैज बीन कन्फर्ड विथ रामन मैक्से। अच्छा ठीक है, तो आपको पता होगा कि रामन मैक्से से जो अवार्ड था वो अभी किसको मिला है, ये पत्रकारिता का अवार्ड है और ये मिला है रविश कुमार को हमारे। एंड ये जो अवार्ड हुआ था, आपको पता है ना कभी कभी एफकेट सीधा पूछता है कि अवार्ड की स्टार्ट कब से हुई थी, तो दिस अवार्ड, ये जो अवार्ड था वो 1957 से स्टार्ट हुआ। मैं तो आपको ये भी बोलूंगा कि पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ये अवार्ड मिला, आप इसको भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट वन इज 8th 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर। सी पिंगली वेंकैया फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग का जो था वो फाइनल डिजाइन जो है वो अप्रूव, मतलब फाइनल डिजाइन जो बनाया था, जो कि अप्रूव किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और वो कि वो भी इंडियन जो था कांग्रेस मीटिंग में उनको दिखाया गया था। देखिए यहाँ पे दिखाया कि वेंकैया डिजाइन फॉर द नेशनल फ्लैग वॉज फाइनली अप्रूव्ड बाई महात्मा गांधी इन ए कांग्रेस मीटिंग इन विजयवाड़ा इन 1921। सो अभी 143rd बर्थ एनिवर्सरी इनका मनाया गया है, सेलिब्रेट ऑन 2nd of August। ठीक है, पिंगली वेंकैया, इनको ध्यान रखिएगा इनके नाम को, इनका नाम था पिंगली वेंकैया फ्रीडम फाइटर। एंड और इनका एक बार याद रखो कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो इतना डीप तो पूछेगा नहीं, बट फिर भी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन इज विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, VIP मार्क करो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर बिन कन्फर्ड विथ भारत गौरव अवार्ड। सो इसका जैसे कि दो क्वेश्चन मैंने इस पूरे सीरीज में रख रखे हैं, दो क्वेश्चन पूरे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कपिल देव। और एक एक क्वेश्चन और है जो कि मैंने आपके लिए रख रखा है, उसको आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप वीडियोस को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज सी, आ गया वो क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन था विनर। सो हु हैज बिकम द मिस इंग्लैंड 2019 में। ए ऑप्शन इज भाषा मुखर्जी, बी विदिशा बलिया, सी शुमन राव, एंड डी कैट्रियोना ग्रे। तो इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सो आंसर इज गिरिराज प्रसाद गुप्ता। ये भी आपके जो ये जो क्वेश्चन बनता है, ये भी आपके बनता है पर्सन इन न्यूज में, व्यक्ति का नाम पूछ लेगा। नेक्स्ट वन इज विच फुटबॉल प्लेयर हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम अर्जेंटीना। जैसे कि स्पोर्ट्स का सेक्शन हमेशा ही एफकैट में भरा होता है, सो विच फुटबॉल प्लेयर हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम अर्जेंटीना फॉर द पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स, दैट इज वन ऑफ द फेमस फुटबॉलर, दैट इज मेसी, लियोन मेसी। थर्ड क्वेश्चन इज लेविस हैमिल्टन विंस हंगेरियन। मैंने कहा था स्पोर्ट्स क्वेश्चन सारे याद रखेंगे, तो हैमिल्टन विंस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, तो लेविस हैमिल्टन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। और इन्होंने यहाँ पर दे रखा फॉर्मूला वन मर्सिडीज ड्राइवर लेविस हैमिल्टन हंटेड डाउन मैक्स वर्स्टैपेन टू विन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 7th टाइम एंड सर 62 points क्लियर इन चैंपियनशिप स्टैंडिंग। अगर आगे के डाटा की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स लेविस हैमिल्टन ने जीता है, बहराइन का जो ग्रैंड प्रिक्स था वो भी लेविस हैमिल्टन ने जीता है, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, मतलब कि ये एक बार अपने माइंड में रखना कि लेविस हैमिल्टन ने कौन कौन सा जीता है, अगले भी बात करेंगे। विनेश फोगाट ने अभी आपके जो कि पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट हो रहा था वर्सोवा में, वहां पे उन्होंने अगस्त 2019 में 53 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और विनेश फोगाट कहाँ से है, तो सी इज फ्रॉम हरियाणा। नेक्स्ट वन इज रविचंद्र,
कैटेगरी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैरी कॉम की कैटेगरी पूछ ली थी कि मैरी कॉम ने गोल्ड किस कैटेगरी में लेके आई थी, तो आपको इनकी कैटेगरी भी ध्यान रखनी है, आप कैट में पूछ सकता है। नेक्स्ट वन इज रविचंद्रन अश्विन नेम्ड पीसीए प्लेयर ऑफ द मंथ। इंडियन ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन हैज बीन नेम्ड एज द प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन प्लेयर। इनको भी ध्यान रखना, क्यों? 23 विकेट फ्रॉम जस्ट 3 मैचेस, ठीक है। तो इस चीज को जैसे कि मैंने बताया कि क्रिकेट के क्वेश्चन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने भी इस बार सारे क्वेश्चन क्रिकेट के जो भी अच्छे अच्छे बनते थे कवर किए, ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो अच्छी तरह से आप उसको कर लो। नेक्स्ट है व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। अभी जे एंड के न्यूज में था, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस इज 26 जनवरी 1957। नेक्स्ट वन इज सौरभ वर्मा विंस हैदराबाद ओपन। इंडियन बैडमिंटन स्टार सौरभ वर्मा क्लिंच्ड द मेन सिंगल टाइटल इन हैदराबाद ओपन। ही बीट इन्होंने किसको हराया, तो सिंगापुर के लोह कियन यू को 52 मिनट के फाइनल क्लास में हराया। एंड सौरभ वर्मा जो है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कौन सा टूर्नामेंट था ये, तो आपका था हैदराबाद ओपन। नेक्स्ट वन इज बजरंग पुनिया विंस गोल्ड 8 तिबलिसी ग्रैंड प्रिक्स। बजरंग पुनिया जो थे ये वो तिबलिसी, मतलब कि बजरंग पुनिया विंस गोल्ड एट तिबलिसी ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन तिबलिसी जॉर्जिया। ही डिफीटेड ईरान्स पीएमएन बिबियानी इन 2-0 इन 65 kg फाइनल ऑफ द मेन्स फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन। इट वॉज द 4th गोल्ड ऑफ द सीजन फॉर द एशियन गेम्स चैंपियन। नेक्स्ट वन इज 19 अगेन बुक्स एंड ऑथर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये होगा आपका कि श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार्स अ बुक ऑन लाइफस्टाइल ऑफ श्रीदेवी। तो ये किसके ऊपर लिखी गई, श्रीदेवी ने लिखी गई है, और इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, सत्यनाथ नायक। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी, एंड आंसर इज अजय कुमार। सो फ्रेंड्स आई होप आपको सीरीज अच्छी लगी हो, अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू डिफेंस मैनिया और हमें हेल्प कीजिए डिफेंस एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी को और लार्ज करने में। और आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम डेली वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपके आपके 120 एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। अगेन हमारे जो पेड बैचेस हैं एफकेट एंड सीडीएस को जो टारगेट करते हैं 120 एग्जाम को, उसके लिए हमारा पीओपी बैच चल रहा है पासिंग आउट परेड इन 2021, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 8709496474, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट वीडियो लेक्चर नोट्स गाइडेंस सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।